घर की करंट सिचुएशन है अभी। पेंट वगैरह का काम हो गया, सफाई कंपैरेटिवली हो गई और अभी सामान जो पहले का है एज इट इज़ हमने रख दिया हुआ है। तो ये सिचुएशन है अभी। ये किचन में जो यहाँ पे कबर्ड थी वो निकाल दी है, ऊपर ये शेल्फ लगवाए हैं, ये अभी टेम्परेरी सामान पड़ा है, सब बटेगा तो ये सब बिखरा हुआ है अभी। तो ये इस तरफ है, जो यहाँ की कैबिनेट थी वो भी हटा दिए, यहाँ पे शू रैक था वो भी हटा दिया है, ये यही है ये यही रहेगा। बाकी ये सारा ऐसे है, पेंट हो गया दरवाज़ों पे भी वो सारा कुछ। टीवी अभी यहाँ लगाया है, यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं टीवी वॉल वगैरह बनाने की और क्रॉकरी कैबिनेट वगैरह, तो उसका देखते हैं। बाकी ये बाहर वाला रूम है, ये भी सारा क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। ये देखो जो नीचे ख़राब था सब हो चुका है, पेंट वेंट सब हो गया। तो ये सिचुएशन है। बाकी अंदर वाले रूम्स हैं वो हैं, वो भी हो गए हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, 7:45 हुए हैं। तो ये थोड़ा बहुत क्लीनिंग का है, जैसे ये पेंट वेंट दिख रहा है आपको, ये धीरे धीरे हो जाएगा सारी चीज़ें। मुझे कईयों ने सजेस्ट किया था कि बाहर ड्राइंग रूम की तरफ को रॉड्स लगाओ, बट वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो जैसे सामने आपको डोर दिख रहा है उसी पे अंदर को लगेगा पीछे वाला जो डोर है ग्लास वाला, जैसे पहले लगे थे कर्टन्स। इधर पे फ्रंट डोर पे भी लगाने लगा था बट इसका भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नया एक शू रैक बनेगा कुछ नए डिज़ाइन से। जहाँ पे अभी ये फ्रिज पड़ा है यहाँ पे बनेगी पैंट्री टाइप, और अपना क्या बोलते हैं उसको, ओवन रखने के लिए कैबिनेट। और फ्रिज जो है ये वाली जगह आ जाएगा जहाँ पे ये पहले एक्चुअल में होना चाहिए था। तो ये वाली टाइल्स मैंने ऐसी रह दी क्योंकि ये थोड़ा डिज़ाइन के उससे लिए अच्छा भी लग रहा है। और ये बाहर से अंदर का पूरा व्यू है, तो यहाँ ये तो बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज तो सारा ऐसे दिखता है। तो ये चीज़ें हैं, ये होएंगी धीरे धीरे, क्लीनिंग होगा सब होगा तो आपको दिखाएंगे। और सोफ़े भी नए आएंगे, ये वाले सोफ़े भी मैं हटा रहा हूँ। एंड जो ये टेबल है इसको भी ठीक करवा रहा हूँ, इसमें थोड़े चेंजेस लगे, ग्लास निकाल के और वुड टॉप वगैरह रहेगा, तो ये होगा। और इस एरिया में डाइनिंग टेबल आएगा। तो ये सब जब चीज़ें हो जाएंगी तब आपको नज़र आएंगी। एक बार हम अंदर भी देखते हैं, जो ये देखो वॉल्स वगैरह क्लीन हो गई बिल्कुल, सामने भी सारे क्लीन हो गए। जो ये स्टडी टेबल बाहर ऑफिस वाले रूम में रखा था वो वापस यहीं आ गया, यहाँ के लिए ठीक है, बाहर ऑफिस टेबल की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अभी पर्दे वगैरह धोए हुए हैं, पीछे नज़र आ रहा है बिल्कुल। और ये भी दिखा देता हूँ, मेरे पास ये जो दो रैक्स थे, एक तो बाहर ही पड़ा हुआ था और एक आगे वाले रूम में था, तो ये भी बाहर आ गया इधर। तो हमने सामान इसमें भी ऐसे रखा है, बाकी ये सब ऐसे अभी पड़ा है, अभी इसको धीरे धीरे करते हैं। और जेम्स का खाना ना पीछे रखा करेंगे, इसको खिलाएंगे, और इसी तरह से ये चीज़ भी यूटिलाइज होगी। ये ना मेरे रूम की अलमीरा के ऊपर जो वाली जगह आपको दिख रही है, ये वाली, ये भी एक सनमाइका लगा हुआ था बट ये ना इस वाइट कलर से दूसरा कलर था, तो मैंने इसके ऊपर ही वॉल कलर ही करा दिया, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, अभी क्लीन लग रहा है, वॉल का हिस्सा लग रहा है, अदरवाइज़ बड़ा गंदा सा कलर था वो। बाकी ये मंदिर है, मंदिर भी अच्छे से हो गया। अगर आपने पहले कभी नोटिस किया हो किसी वीडियो में, तो बहुत ही ज़्यादा दीवार ख़राब हो गई थी सीलन की वजह से, क्योंकि पिछली तरफ जो घर हैं उसमें कोई है नहीं अभी, एंड वहाँ से पानी सीप हो रहा था। बाकी ये मंदिर है, मंदिर भी है, इसको भी थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हैं हम, रेनोवेट ही कहेंगे। इसमें क्या है, ये टॉप वाला पोर्शन कट हो जाएगा और ये थोड़ा सा एक्सटेंड होके लगभग इतना यहाँ तक इसको ऊंचा करेंगे और थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर ना चीज़ें आती नहीं है फ़ोटोज़ वगैरह, तो उस चीज़ के लिए। बाकी ये एक जो ये बनवाई थी ना कैबिनेट, ये एक्चुअल में पहले किचन की थी, तो उसको थोड़े से चेंजेस करके ऑल्ट्रेशन कराई थी। ये इसके ऊपर एक्चुअल में माइका लगाया, जिसे हम सन माइका बोलते हैं, और ये टच वुड नाम का वो है, पॉलिश कह सकते हैं या कोटिंग, वो इस पर करिए तभी ऐसे शाइन कर रहा है। सेम जो यहाँ मेन डोर है ना, इस पर भी वैसे ही हुई है। और इसी तरह से जो बाहर वाला डोर है, अच्छा बंद है, वो खुला है सॉरी, ये वाला, इसमें भी वही हुई है, इससे क्या शाइनिंग आ गई है इसमें।
एंड इसमें पहले ना पॉलिश हो रखी है, मुझे पॉलिश पर्सनली पसंद नहीं है, यानी तो ये हो रखी है, इसको करने से शाइन आ गया इसमें। बाहर वाले रूम में भी जो दीवान है वो घूम फिर के वापस आके, बिकॉज अंदर अब लगाने की से जगह नहीं है, ज़रूरत कहने लगा तो ज़रूरत तो बहुत है। एक चीज़ में से गलती हो गई, यहाँ वाले में मैं ऊपर इसका कलर करवाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये इधर आ गया वापस, ये यहीं रहेगा अब। एंड यहाँ पे चेयर्स और सब सोफ़ा या समथिंग कुछ रख के इसको भी ठीक करेंगे। मेरा मन तो है कि यहाँ की वॉल्स पे ना प्रॉपर वॉलपेपर वगैरह लगा के, एंड इसको यहाँ कर्टेंस तो लगी जाएंगे, वॉलपेपर वगैरह लगा के इसको एक बार की तरह या समथिंग लाइक दैट कुछ बनाया जाए। अभी देखते हैं, टाइम विल टेल, पॉकेट विल टेल। तो ये सब चीज़ें मैंने भी सोची हैं, शेव मैंने करी नहीं है, सॉल्ट एंड पेपर लुक। तो ये सब चीज़ें मैंने भी सोची हैं, अभी इसको धीरे धीरे करते हैं, क्या करना है कितना करना है वो भी टाइम ही बताएगा। अभी फ़िलहाल तो ये सब चीज़ें क्लीन कर लें, सब सेट कर लें, उसके बाद में देखते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स होंगे मैं आपको देता रहूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको करते हैं एंड आपको दिखाएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। थैंक्स। ये कुछ फर्नीचर मैंने नया लिया, जिसके अंदर एक सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है और सोफ़ा चेयर्स हैं जो वुड बनी है, वो तो पुराने वाला निकाल के ये वाला लिया है। बाकी ये चेयर्स हैं, इधर अंदर रखेंगे आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ये इसमें से उतार रहे हैं, वे अंदर रख के फिर दिखाते हैं आपको। ये पुराने वाला सोफ़ा है जिसको हम हटा देंगे शायद, या इसको ठीक कराएंगे। और ये जो नई चेयर आई है ये वो है, तो इसमें ये मैंने फ्रेंड ऐसे चूज किया था, ये आपकी चेयर साथ में मिली। ये हमारी सोफा चेयर है, ये नए सोफे आए हैं, ये है सोफा चेयर जिसकी हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं। अनबॉक्सिंग तो नहीं कहेंगे, इसका रैप्स उतार रहे हैं, अनरैपिंग कर रहे हैं इसको। हमारा जेंस में डर रहा है नई चीज़ों से। तो ये हमारा ये वही कलर है जो सोफे का कलर तो नहीं लग रहा है, सेम ऐसे अलग सा क्यों फील हो रहा है, कैमरा में भी अलग लग रहा है, एक्चुअल में भी अलग क्यों लग रहा है। मे भी साथ में जो वुड का कलर है नहीं, क्योंकि ये सोफ़ा चेयर्स हैं और वो सामने जो है वो सोफ़ा है, ये डाइनिंग टेबल है, ये मम्मी है, वो जेम्स है, और ये जो डाइनिंग टेबल की चेयर दिखाई थी वो ये इस तरह से ये है। दूसरा भी ओपन करते हैं, इधर इधर कम है, ये फिक्स नहीं है, ये आराम से रिमूव हो जाएगा। इधर आ बेटा, साइड हो, उसको आने दो, डर आ जाए, कौन मिले बच्चों, जाओ अंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन, मम्मी के पास बैठ जाओ। ऐसे डरते नहीं, नहीं डर रहा। हाँ ये हमारा नया सोफ़ा है, इसका कलर मुझे नहीं पता, क्रीम है या बेज है, बेज ही मेरे ख्याल, ये वो है वो पुराने पीछे वाले और ये नया वाला। मुझे पुराने भी पसंद है भी, मगर वो जिनसे बनवाए थे उन्होंने क्वालिटी बड़ी गंदी बनाई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब वो सेल होने में तो बहुत कम पैसे मिलेंगे, तो उसको भी ठीक ही करवा लेते हैं, देखते हैं क्या करना। बाकी ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। अभी से क्या अच्छा, ये तो थानोस वाला वो बन गया। हाँ बेटा क्या हुआ, मम्मी इसको तो निकलता ही। हाँ, मम्मी अब इसके अनरैप कर रहे हैं अब इसको। ये है फोर सीटर सोफ़ा है, सॉरी फोर सीटर डाइनिंग टेबल है और चेयर्स भी फोर हैं, हमें फोर बहुत है, मोर देन एनफ। तो ये देखो ये नीचे से इस तरह से हैं इसके, मेरे को ना ऐसे ट्रेडिशनल स्टाइल वाले पसंद है ज़्यादा। जेम्स क्या हुआ, जेम्स कह रहे हैं मुझे भी करना है। तो ये मम्मी इसका ओपन कर रहे हैं,
जगदेव हेल्प करते हुए। ओ इधर तो, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया? इधर तो बिल्ली है। ये मैंने इसलिए चूज किया मम्मी क्योंकि ये जो इसके है ना पावे, इसमें ही डिजाइन है, मुझे इस तरह से ना पुराने से स्टाइल से बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश कर रहा था कि डाइनिंग टेबल की इश्यूज भी हों, सॉरी चेयर्स में, बट वो नहीं थे, बट अदरवाइज वो हमारे जो वो पड़ा हुआ है भाई। इसके ऊपर टेबल क्लॉथ बिछाना पड़ेगा तो भाई, जिसके वो कह रहा था पॉलिश की दिक्कत आ सकती है। मैंने पॉलिश भी ज़्यादा नहीं कराई, ये टच वुड जो दरवाज़ों पे करवाया ना वो जिससे शाइनर ये वो है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगी, हमारे पास शाइनर पड़ा है। हाँ नहीं ऑलरेडी हो रखी है, बाकी सारा फर्नीचर जेम्स के कलर से मैच कर जेम्स के बाल नज़र नहीं आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मम्मी खुश हो, अच्छे लगे? Yes, हाँ, कलर भी सुंदर है और इसे ब्राइट ब्राइट भी लगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस अस ऑल। तो आप सोच रहे होगे कि इस सारे काम में कितनी देर लगी, इस सारे काम में जैसे सैंडिंग हुई है और पेंट वगैरह हुआ है, इस सारे काम में फुल 4 डेज लगे। तो उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, अर्ली क्या मतलब 8 बजे लगा लो, 8 या 9 बजे लगा लो, 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वो काम किया उन्होंने, एंड 4 डेज लगे। थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं बट कोई बात नहीं, वो मतलब नेग्लिजिबल है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी 4 दिन टोटल लगे और 4 दिन में देखो बिल्कुल फ्रेश हो गया है, सब कुछ प्रॉपर हो गया है, तो ये सब चीज़ें। बाकी इसके बाद में घर में सेटिंग करेंगे, थोड़ा नया फर्नीचर आएगा, कुछ नए चीज़ें बनेंगी, तो आने वाले वीडियोज़ में वो सब आपको दिखाई देगा। तो चैनल पर बने रहे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।